तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। जयपुर से बड़ी खबर, गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त किया गया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। विवाह समारोह में 250 लोग शामिल हो सकते हैं। 5 फरवरी से नई गाइडलाइन लागू होगी। तो रात्रि कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अभी रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। विवाह समारोह में 250 लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी से नई गाइडलाइन लागू होगी। तो जयपुर से बड़ी खबर, गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है और विवाह समारोह में 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो 5 फरवरी से ये जो नई गाइडलाइन है उसको जारी किया जाएगा। तो जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और 5 फरवरी से नई गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया। विवाह समारोह की बात करें तो 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 5 फरवरी से नई गाइडलाइन लागू होगी। तो जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। अगर विवाह समारोह की बात करें तो 250 लोग शामिल हो सकते हैं। तो गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 5 फरवरी से नई गाइडलाइन लागू होगी। जयपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रात्रि कालीन जो कर्फ्यू है वो खत्म कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनीष, देखिए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। पहले रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है और 5 फरवरी से नई गाइडलाइन जारी होगी। क्या कुछ अभी जानकारी? देखिए अरुषि, गृह विभाग की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले सख्तियां और पाबंदियां बढ़ाई गई थी, क्योंकि पिछले समय में देखा गया था कि कोरोना के जिस तरीके से केस लगातार बढ़े थे, तो ऐसे में कर्फ्यू लगा दिया गया था। और कर्फ्यू पहले जो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद में जो वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन अब जो है वीकेंड कर्फ्यू पहले ही हटा दिया गया और अब जो रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटाने के लिए भी गाइडलाइन के अंदर आदेश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही बड़ी बात यह भी कि अब जो गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, इसके अंदर विवाह समारोह के अंदर 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ जो बैंड बाजा वादकों की संख्या अलग से होगी। और एक इसमें एक पॉइंट और शामिल किया गया, मेंशन किया गया कि अब धार्मिक जो स्थल है यहाँ पे पूजन सामग्री जो है उसको ले जाने की यहाँ पे अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे में इस गाइडलाइन के अंदर बहुत सारी छूट यहाँ पे दे दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। विवाह समारोह के अंदर अब 250 लोग जो है शामिल हो सकेंगे और जो धार्मिक स्थल है यहाँ पे पूजन सामग्री ले जाने की छूट होगी। तो ये गाइडलाइन जो है कल 5 फरवरी से पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगी और अभी ये कोरोना की जो है एक नई गाइडलाइन जो जारी कर दी गई है। जी जी, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।